चावल पक चुका है ना, अभी मैं इसका पानी लेने वाली हूँ। अब ये देखिए, ये जो चावल का पानी है ना, मैं इसी को लेकर के फेस कमाल है इसमें। चावल पक चुका था और उसका पानी मैं ठंडा होने के लिए डाली थी और ये ठंडा हो चुका है। अब मैं बताती हूँ कि मोस्टली आप सबको पता होगा और इसमें कोई खर्च भी नहीं है, 10 रुपए का भी खर्च नहीं है। और ये चावल का जो पानी जिसे हम लोग माड़ बोलते हैं, हम लोग इसे फेंक देते हैं, लेकिन इसमें आपको पता है इसके अंदर प्रोटीन, भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है ये। और ओपन पोर्स को तो ये मतलब टाइट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी स्किन अगर लूज हो गई है, अगर हमारी स्किन जो है डल हो गई है, तो बहुत हद तक जो है सो कि उसको ये ठीक करता है, ये हमारी रंगत को निखारता है। और ये जो माड़ है, अगर मोस्टली मैं तो बचपन में खाती थी, पता नहीं आप लोग में से कितने लोग खाते थे, खाए हुए हैं या नहीं, लेकिन मुझे आज भी ये जो चावल, गर्म गर्म चावल पकाते हैं और उसके बाद जो ये माड़ होता है उसके अंदर नमक डाल करके खाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो हमारी हेल्थ के पर्पज से भी बहुत अच्छा है। तो आज मैं हेल्थ पर्पस को छोड़ती हूँ और ब्यूटी पर्पस की बात करती हूँ। तो ये ओपन पोर्स का मुझे बहुत कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं कि ओपन पोर्स की परेशानी हो गई है बहुत ज्यादा, तो ओपन पोर्स के लिए आप कोई एक वीडियो बनाए। तो आज मैं स्पेशली ओपन पोर्स के लिए बना रही हूँ और जिनकी स्किन की रंगत धीरे धीरे काली होती जा रही है उनके लिए बना रही हूँ। तो आपकी रंगत को भी ये निखारेगा और ये जो है ओपन, आपके जो ओपन पोर्स की समस्या है उसे भी 100% तक मैं बोलती हूँ कि खत्म कर देगा। लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एटलीस्ट किसी भी पैक को 15 या 20 मिनट डेज का टाइम देना पड़ता है। और इसको मैं तकरीबन आपके पास लेके आने के पहले, इस वीडियो को मैं तकरीबन 7 डेज इस वीडियो के ऊपर काम की हूँ, और इसको मैं 7 डेज तक, इसके पहले जो मैं जो बनाई थी माड़, उसको मैं 7 दिन तक अपने फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखी हूँ। तो आप रूम टेम्परेचर में तो इसे स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रिज के अंदर अगर आप स्टोर करते हो तो आप 7 to 8 डेज तक, मतलब कि आप आराम से 7 से 8 दिन तक फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। अभी अब आपको क्या करना है, जो ये माड़ है इसको आपको फेंकने के पहले किसी भी बाउल में आप निकाल के रख लें, और उसके बाद आप इसको एक विटामिन सी का कैप्सूल, इसमें बहुत नॉर्मली जो है आपको किसी भी मेडिकल शॉप में मिलेगा, आप वहां से एक विटामिन सी का मतलब एक ऐसा लेकर के आ जाइए, उसमें से आपको एक टैबलेट जो है वो निकालना है। फिर आपको इसे क्रश करना है, अच्छे से आपको क्रश करना है इसे। तो अभी मैं इसे क्रश करती हूँ, देखिए ये क्रश हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, एक कोई भी कोई किसी भी चीज का कोई भी बाउल लूंगी और उसके अंदर इस पाउडर को मैं डाल दूंगी। विटामिन सी आप सबको पता है कि हमारे स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ, टैबलेट को इसके अंदर ही मैं क्रश करती हूँ, टैबलेट को निकालती नहीं हूँ बाहर। निकालने से क्या होता है ना, थोड़ा वेस्ट हो जाता है वो, टैबलेट के अंदर आप क्रश करते हो तो कुछ भी वेस्ट नहीं होता। तो इसके अंदर विटामिन सी क्या करता है, हमारी रंगत को निखारने में, हमारे चेहरे पे जो जो छोटे छोटे फाइन लाइंस हैं उसको निखारने में बहुत ही फायदेमंद है। आप विटामिन सी सीरम लेने जाओ, 1100 और 1200 का मिलता है, जो अच्छे वाला होता है, नहीं तो 200 300, कम कम से कम 200 से 300 में विटामिन सी के सीरम आते हैं। तो क्यों खर्च करना, अगर आप ये लेने जाओगे तो 30 रुपए का ये पैकेट आता है ये, और इजिली आपको 5 या 6 महीने तक, अगर आप वीक में 1 टैबलेट भी यूज करते हो तो तकरीबन 5 to 6 month तो आराम से चला जाएगा। अब आपको ये ले लेना है, उसमें उसके बाद आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो ना उसके हिसाब से, 7 डेज के हिसाब से आप इसे बना लें और इसे अच्छे से, इसको अच्छे से मिक्स होने दें। इसको मिक्स होने में थोड़ा रिजॉल्व, इसको थोड़ा सा घुलने में, मिलने में थोड़ा सा आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये देखिए, इसको घुलने में तकरीबन 5 to 10 मिनट्स लगते हैं और ये अच्छे से घुल चुका है। अब आप क्या करेंगी, कोई भी जो स्प्रे बॉटल होता है, इजली मार्केट पे 20 या 30 रुपीज में मिल जाता है, कोई भी स्प्रे बॉटल लूंगी और उसके अंदर मैं इसे स्टोर कर दूंगी।
अंदर ये स्टोर हो चुका। अब जब भी आपको जरूरत हो, जब कभी भी मतलब मोस्टली आप रात में जब सोने जाते हो बेड टाइम पे, तो आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद अपने फेस के ऊपर इसे ऐसे स्प्रे कर दें, स्प्रे करें, उसके बाद इसको अपने फेस के अंदर एब्जॉर्ब होने दें। ओके, जब ये अच्छे से आपके फेस में, आपके स्किन के अंदर में एब्जॉर्ब हो जाता है, मिल जाता है, उसके बाद आप कोई भी जो आप क्रीम यूज करते हो, नाइट क्रीम हो, आप उसको लगा करके इसके ऊपर और सो जाए, आपकी रंगत दुगनी हो जाएगी, आपके ओपन पोर्स की समस्या दूर हो जाएगी, या दिन में भी कभी भी आप अगर मॉर्निंग में के टाइम में भी आप लगा सकते हो। तो एक्चुअली अभी मैं अपने फेस को दिखाने के मूड में नहीं थी, इसलिए पाम पे कर रही थी, कोई बात नहीं। तो आप अपने फेस के ऊपर जो है ना, जब आप सोने जाते हो या मॉर्निंग में कभी भी आप इसे यूज कर सकते हो। तो अपने वॉश्ड फेस के ऊपर बस आपको ऐसे ऐसे स्प्रे कर देना है और टैप करना है थोड़ा सा। जब ये आपके स्किन पे जब एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आप जो भी डे नाइट क्रीम यूज करते हो या नाइट सीरम यूज करते हो, आप इसके ऊपर में आप लगा सकते हैं। ये मेल फीमेल बॉयज गर्ल्स सबके लिए है, जो जिनकी उम्र 2 साल है आप उनको भी आप ये लगा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिनकी उम्र 70 साल है आप भी इसे यूज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और इसका आपको ये आराम से फ्रीज में 7 to 8 days तक जाएगा। तो अगर आज का आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।